वेलकम बैक दोस्तों। वो क्योंकि फॉर्म उसको सबमिट कर दिया था मैंने, और उसको क्योंकि अप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 4-5 मिनट, 10 मिनट, कभी कभी 15-20 मिनट भी लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी। तो उस वीडियो का अगला पार्ट इस वीडियो में है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लगा के देखते हैं कि उनका पासवर्ड अब लगता है या नहीं लगता। देखें, लॉगिन किया, दोबारा करते हैं। ये देखें, अब जो है लॉगिन हो गया। तो नाज़रीन, अब आपको बखूबी सही तरीके से पता चल गया कि अगर आप ने पहले पहले की रजिस्ट्रेशन है और आपकी ई इनरोलमेंट नहीं थी, तो अगर आप अपना वाउचर बनाने की कोशिश करेंगे, e.fbr.gov.pk में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका जब तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 181 सही तरीके से उसकी फीडिंग नहीं करेंगे, तब तक आप अपना e.fbr.gov.pk के अंदर अपना लॉगिन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मज़ीद वीडियो करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।